हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर आर्टिकल्स। तो हमारे पास टोटल कितने आर्टिकल्स होते हैं? ते, कौन कौन से? ए एंड और द। द वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। लेट्स नो द यूज ऑफ ए एंड द। तो हमारे पास कितने आर्टिकल्स होते हैं? तीन, ए एंड और द। अब हम इन तीनों को यूज देखते हैं कि कौन कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले ए कहाँ पे यूज होगा? ए, वी यूज ए बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। तो जहां पर भी कॉन्सोनेंट वाले साउंड आए, उनसे पहले हम किसका यूज करते हैं? ए का। जैसे अ कैट, अ पैन, अ बॉय, अ बुक, अ पेंगुइन, अ बलून। तो ये सारे वर्ड्स कैसे हैं? सारे कॉन्सोनेंट हैं और कॉन्सोनेंट वाले ही साउंड आ रही है, तो इनसे पहले हमारा क्या आया? ए। फिर यूज ऑफ एन। तो एन का यूज कहाँ पे होगा? तो एन का यूज होता है बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद वोवल साउंड। तो जो वोवल साउंड है, जैसे एन आंट, तो आंट यानी ए वाले आ रही है। वोवल्स कौन कौन से होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू। ये सारे क्या है हमारे? वोवल्स। तो आंट, अनियन, आइसक्रीम, आई, एलिफेंट, अम्ब्रेला। तो सारे ही क्या ऐसे वर्ड है हमारे जो वोवल के साउंड दे रहा है, इसलिए इन सबसे पहले क्या आया? एन। तो ए किससे पहले आता है? कॉन्सोनेंट साउंड से। और एन आता है हमारा वोवेल साउंड से। अब हम पढ़ेंगे द कहाँ पे यूज होता है। व्हेन यू टॉक अबाउट एनी पर्सन और थिंग, यू यूज ए और एन। तो जब भी हम किसी पर्सन या थिंग की बात करते हैं, वहां पे ए या फिर एन लगता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ डेफिनेट पर्सन, प्लेस और थिंग, यू यूज द। तो जब तुम किसी पर्टिकुलर इंसान, प्लेस या फिर थिंग के बारे में बात करोगे, वहां पे तुम्हें द लगाना पड़ेगा। देखो, यू यूज द बिफोर अ नाउन व्हेन यू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर पीपल या फिर थिंग के बारे में बात करेंगे, वहां पे हमको हमेशा द लगाना पड़ेगा। जैसे ही इज अ बॉय, तो बॉय तो कोई भी हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है। द बॉय इज वॉटरिंग द प्लांट्स। तो अब यहाँ पे द क्यों लगा? क्योंकि हम उस बॉय की बात कर रहे हैं जो पानी, जो पौधों को पानी दे रहा है, प्लांट्स को वाटर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? पर्टिकुलर एक लड़के की बात हो गई, तो इसे ना यहाँ पे द आएगा। यू यूज द बिफोर द थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, जो उनके जैसी एक ही है। तो देखो, जो पानी दे रहा है वो लड़का एक ही है और कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे डेफिनेट हो गया और यहाँ पे कोई भी बॉय हो सकता है। जैसे द सन, द मून, द स्काई। तो देखो, सन तो एक ही है, इतने सारे सन्स तो नहीं है, तो इसलिए जो चीज डेफिनेट हो, कम हो, यूनिक हो, वहां पे हम किसका यूज करते हैं? द का। जनरली यू डू नॉट यूज एन आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन्स। देखो, जो प्रॉपर नाउन होंगे, देखो हमारे दो होते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो कॉमन तो एक जैसी चीजें होती है, और प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी कभी नेम, जैसे नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस। तो उनसे पहले हमको कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती। हाउएवर, द इज यूज विद सम प्रोनाउन, सम प्रॉपर नाउन्स दैट आर वन ऑफ अ काइंड। तो देखो, ओशंस है तो द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन। रिवर्स होते हैं द गंगा, द यमुना। इन सबसे पहले हमको क्या लगाना पड़ता है? द लगाना पड़ता है। जैसे माउंटेन्स हो गए, द हिमालयाज, द अल्प्स। मॉन्यूमेंट्स हो गए कुछ, द ताजमहल, द कुतुब मीनार। तो ये जो भी सिटीज होंगी मंथ्स के ने, उनसे पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा, जो भी क्या होंगे, यूनिक। अब देखो, द ताजमहल, तो ताजमहल एक ही है ना, ये थोड़ी कि हर जगह ताजमहल मिल जाएगा 5 5 मिनट में। तो ताजमहल क्या यूनिक है, इसलिए इससे पहले क्या लगा? दा लगा। तो जितने भी हमारे यूनिक चीजें होती है, उससे पहले दा लगता है, और जो बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है, उससे पहले ए या फिर एन। तो आयो बच्चा, आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि ए का यूज कहाँ करना है, एन का यूज कहाँ और दा का यूज कहाँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।